पिछले दिनी मोदी खाना दे वल्लों जो दवाइयां दी विक्री नू लैके वड्डे खुलासे कीते के उस दे विच मेडिकल इंडस्ट्री नू पूरी तरह जो असल तस्वीर है वो उभर के सामने आई तो मोदी खाना दी तर्ज दे उपर हुण लोग सामने आ रहे ने कि जेकर एडे वड्डे घपले हो रहे ने तो लोगों नू क्यों ना सेवा की जाए, लोगों की सेवा की जाए अपने अपने तरीके नाल। लोग वैसे काफ़ी समय तो ये चीज़ों सोच रहे सी, एनालिसिस कर रहे सी कि दवाइयां दे रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पर जिवें लुधियाणा दे विच मोदी खाना दे वल्लों एक वड्डे खुलासे किए गए तो लोग हुण आप मुहारे अगे आ के लोगों की मदद करना चाहते हैं। जलंधर दे विच मोदी खाना की तर्ज के उपर एक मैडिकल स्टोर खुलन जा रहा है जो लोगों के लिए होएगा, लोगों की सेवा दे विच होएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस दे विच ही जाएगा और जो भा दवाइयां दे आउणगे उसे भा ही दवाइया लोगों दित्तियां जाणगियां। मैं इस वेले जलंधर के नकोदर चौंक के करीब खड़ा हाँ। ये दो दुकाना जिहड़ियां ने नौजवान मनसिमरन सिंह मक्कड़ होना दे वल्लों लोगों नूं समर्पित कीतियां जाणगियां अते लोगों नूं सस्ते भा दे उपर दवाइया दित्तियां जाणगियां। नौजवान साढ़े नाल हैगे ने, जाणदे हां कि कित्थों चंगियारी उड्डी, कित्थों इन्हां नूं लगा कि लोगों की सेवा मैडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल के थ्रू दवाइया थ्रू करनी चाहिए आ। सब तो पहला तो मनसिमरन जी सब ये दसो कि क्यों लगा कि दवाइया दे विच इन्ना वड्डा घपला हो रहा पिछले दिन जो कुछ तुसीं देखिया होगा तो हुण तुसीं की करन जा रहे हो तो क्यों करन जा रहे हो? सब तो पहला मनदीप जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं ये प्लेटफॉर्म ते मैनूं गल करन दा मौका दिता। देखो जी, साडा पर्पस अफोर्डेबल हैल्थ केयर प्रोवाइड करन दा लोकां नूं। विचार काफ़ी देर तो सी, कुछ साल पहला मैंने मेरे डैड ने आइडिया दिता कि असी एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलीए, लेकिन दो तीन डॉक्टर्स ना रिप्यूटेड ना सलाह की, उन्होंने सानू ना कर दी। सच पुछो तो हुण समझ आउंदा है क्योंकि हर एक दी दुकान ते जदों घाटा पैंदा या उन्हों कोई कॉम्पीटिशन मिलता उन्होंने तां फिक्र हुंदी है। लेकिन हुण रीसेंटली हरजिंदर जिंदू जी नूं लुधियाणे देख के मैनूं काफ़ी इंस्पीरेशन मिली कि रस्ता इन्ना मुश्किल नहीं, जे रस्ता इन्ना मुश्किल नहीं तो क्यों ना लोगों नूं अफोर्डेबल हैल्थ केयर प्रोवाइड कराई जाए ताकि लो इनकम ग्रुप, मिडल क्लास, गरीब आदमी अफोर्ड कर सके दवाइया रोज़मर्रा की जिंदगी दियाँ, अपने घर के जिया अपने आप को सुख दे सके। क्योंकि जिहड़ी ये सुख देने वाली चीज़ सी, जिहड़ी दवाई या जिहड़ा इलाज जिहड़ी हैल्थ केयर इंसान को सुख पहुँचाने लई बनी है, सैडली हिंदुस्तान दे विच वाइट कोटेड करप्शन बन चुकी है। हिंदुस्तान दे विच मैं नहीं कहिंदा सारे डॉक्टर माड़े आ, लेकिन मजोरिटी डॉक्टर्स इलाज तो ज़्यादा डर वेच रहे हैं, खौफ वेच रहे हैं। इन्नी बुरी तरह पेशेंट नूं, क्लाइंट नूं, क्लाइंट बन चुका, गल्ला बन चुका, उन्होंने डराया जाता, उस खौफ ना उन्होंने डराया जाता कि बंदा अपनी सारी जीवन पूंजी लाने को तैयार हो जाता कि डॉक्टर ने दो तीन औखियां टर्म्स बोलियां ने, असीं उहदे चों अपने जीवन बचाउणा है ते उही दवाई लैनी है। जेनरिक, एथिकल, प्रॉफिट नो प्रॉफिट, किसी नूं कुछ नहीं पता, किसी नूं कॉस्ट नहीं पता, लेकिन हर कोई बंदा अपनी जी लई बेस्ट करना चाहुंदा। असीं उही कोशिश करांगे कि उही बेस्ट दवाइयां, सारे सॉल्ट, मजोरिटी ऑफ द बेसिक दवाइयां असीं इत्थे रखांगे, शड्यूल नॉन शड्यूल सारियां। तकरीबन 15 कंपनीज़ नाल साडी गल हो चुकी है, जेनरिक का एक अलग शेल्फ बनाया जाएगा। कंपनीज़ इन्नियां चंगियां ने कि कंपनीज़ ने सानू विचों दो कंपनीज़ ऐसी, उन्होंने बंदे भी सानू स्पॉन्सर कर दिते है कि दो बंदे असी अपॉइंट करके थानू दवांगे फुल टाइम जिहड़े इत्थे सेवा करनगे, दो सेवादार असी लावांगे अपने कोलों, मैं अपनी जेब कोलों, असी सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट इत्थे करनी है, मैं अपने कोलों इंटीरियर ला के देना है। तुसीं लोकां दी नेक सोच देखो, सिर्फ मेरी राबता होया सी गुरद्वारा सेंट्रल टाउन दीवान स्थान दे नाल, उन्हां दे पता लगदिआं ही मैनूं चार या पांच शहर दे नामी लोग कॉन्टैक्ट कर चुके ने जो एक एक लख या दो दो लख रुपए की इनवेंटरी सानू डोनेट करन लई तैयार ने। मैं नहीं कोई सब कुछ करन लग्या, मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं किसी लिए कुछ कर सका, लोगों के सहयोग दे नाल जरूर विच आउंदी क्योंकि तुहाडा तजर्बा है नहीं गा मैडिकल लाइन का, तो फिर किवें पॉसीबल हो सकता क्योंकि डॉक्टर्स भी चाहिए ने, उहदे लई तुहानू एक्सपर्ट भी चाहिए ने, फिर वह कित्थों आउणगे? देखो सर, सर्टनली दो प्राइवेट डॉक्टर्स की इस टाइम असी हैल्प लै रहे हैं जो मैनू पूरा गाइड कर रहे हैं। कल साडा लाइसेंस बन के आ जाना, जिहदे नाम ते असी लाइसेंस बनाया, वह मुंडा इत्थे फुल टाइम बैठेगा, नाल सेवा करेगा। तो परसों मंडे नूं असी रखांगे इंटरव्यूज, जिहड़ी प्रोफेशनल नर्स रखनी है, असी एक ट्रेंड नर्स, एक नर्स इत्थे सदा रहेगी ताकि कोई ड्रैसिंग करनी है, कोई इंजैक्शन लाउणा, किसी नूं किसी सिरिंज की लोड़ पैंदी है तां उह गलत हत्थां दे नाल ना लगे, प्रॉपर प्रोफेशनल वे दे नाल लगे। वी विल ट्राई किसी प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके नाल चलिए, साडा तजर्बा नहीं है, लेकिन एज अ लेमैन, एज अ बिजनेसमैन मैनूं इह तां समझ आउंदा कि मार्केट दे विच की हो रहा है। तुसीं मैं मनदीप जी हुण ही चलदे हां, एक दवाई लैण 6 दुकानां ते जांदे हां, 6 तों 5 दुकानां चों 5 आउट ऑफ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ NPPA ਨੇ ਸੀਲਿੰਗਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, DPCO ਨੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, 680 ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਡਰੱਗ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਸ DPCO ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਸੀਲਿੰਗ ਫਿਕਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਕੋਟਡ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਨੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਸੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਨੂੰ 120 ਦੀ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸ਼ੋਪਸ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ, ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੇਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 10-10 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਸਕਾਂ, ਵੇਵ ਚਲਾ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 20-25 ਗਰੀਬ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, 60% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, 60% ਇੰਡੀਅਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਏਗਾ? ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, WHO ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6.5% ਆਫ GDP ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ 4.8%। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਜਾਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਰੈਪਿਊਟਿਡ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਏ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੀ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਦੀ ਪਾਉਣੀ, ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਅਮੀਰ ਵੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਲੇਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 10-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਬਹੁਤ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ, ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਲੇਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਟੰਟ ਦੀਆਂ, ਸਟੰਟ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, 4 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, 12 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਟੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਟੰਟ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਜੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ FDA ਅਪਰੂਵਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, AMA ਅਪਰੂਵਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਨੋਮਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੌਫ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰ ਟਾਊਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 10-12 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ MRP 3900 ਰੁਪਇਆ, 3900 ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ 1000 ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿਤੋਂ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਜੁਗਾੜ, 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਚਹੇਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, 3900 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ 380 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ 3900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਜਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ। 140-140 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ 14 ਜਾਂ 18 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਸਟਿੰਗ 'ਚ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ, 22 ਰੁਪਏ, 24 ਰੁਪਏ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਡ,
क्योंकि तुसी भी आपके घर चलाने फार्मेसियां तो अपने घर सपोर्ट करने हैं लाजमी है, लेकिन तुसी 20 दी दवाई नू 140 प्रिंट करके डिस्काउंट देके गाहक नू खुश करके 120 भेज दे, कित्थों दा दस्तूर है? यह सारा दे सारा शोषण हो रहा। शोषण क्यों हो रहा? क्योंकि एक स्ट्रोंग माफिया है, माफिया है FDA AMA ते बिग फार्मा कंपनीज का। यह सारे रल के यह सारी प्लैनिंग करते हैं, रल के धोखा लोगों ना किया जा रहा, इन खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। साड़ी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्ना स्ट्रोंग है, साड़ी एसोसीएशन इन्नी स्ट्रोंग ने, जो चाहन सवेरे 60% फार्मेसियों के नुक्स कढ़ लैन या बंद हो गए, लाइसेंस रद्द हो गए, लेकिन कोई नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई अपनी जेब गर्म करनी चाहता, हर कोई चाहता मैं अपना काम बनावा तो मैं निकला, मैं भले तो की लैना, लेकिन यह भला करना पेगा। आप बीमारी के नाम से लोगों के नाल धोखा कर रहे हैं। देखो एक फनी जी छोटी जी एग्जाम्पल मैं थोड़े ना पेश करनी चाहता मनदीप जी, यूल बी सरप्राइज्ड, 26 करोड़ तो प्लस हिंदुस्तानी, 26 करोड़ तो ज़्यादा हिंदुस्तानी हाई BP का पेशेंट है। बड़ी कॉमन जी असं सुनते हाई BP पेशेंट है, कोई 20 साल तो दवाई खा रहा है, कोई 30 साल तो दवाई खा रहा है, कोई 40 साल तो दवाई खा रहा है, लेकिन जो गाहक डॉक्टर को जाता वो फटाफट उन्होंने BP की दवाई तो ला दिता, अगले 20-25-30 साल नहीं है जो तक वो आखिरी सह ने चाहे 93 साल जी है उन्होंने हाई BP की दवाई दी जाती है, जिनी देर वो दवाई खाई जाता वह BP कंट्रोल च रहा, जो छड़ दिता वह BP शूट कर जाता। लेकिन कोई भी मरीज़ को डॉक्टर यह नहीं दसता कि हाई BP इज़ अ सिम्पटम, हाई BP इज़ नॉट अ डिजीज़, हाइपरटेंशन नाम का कोई डिजीज़ नहीं है, वो एक ऑर्गन फेलियर का एक सिम्पटम है कि थोड़े बॉडी के कितना कितने को मैल फंक्शन है। हुण इन्ने पानी के पाइप के मैं बहुत प्रैशर वाला पानी मारूंगा, वो लाजमी है लीक कर जाएगा, लेकिन मैं वो लीकेज नहीं ठीक करना चाह रहा, मैं उन्होंने दवाई तो लाना चाह रहा 25-30-40 साल वास्ते दवाई खाता रहे, क्योंकि इन्होंने फार्मा कंपनीज़ को बहुत प्रैशर दिता जाता कि डॉक्टर्स के कोल जाके दवाइया बेचो, बंदे अपॉइंट करो, टारगेट्स दो, वड्डे वड्डे डॉक्टर्स नू यूरोप दे ट्रिप, अमेरिका दे ट्रिप, वड्डे वड्डे गिफ्ट दिते जांदे ने, वो क्यों दिते जांदे ने? जे कोई कंपनी अपना एथिकल काम कर रही है उन्हों एहो जे पर्क्स देने की की जरूरत पैंदी है? लाजमी है कि उन्हां नाल धक्का किया जाता कि तुसी 95% मरीज के टेस्ट करने हैं तो उन्होंने किसी ना किसी दवाई तो लाना या वैक्सीनेशन तो लाना। गल्लां सुन के मैनूं लगदा कि रिसर्च तुहाडी वधिया हो रही है, काफ़ी तुसी कर चुके हो, तो हुण लोगों को कितनी सहूलत मिलेगी? क्योंकि गल्ला कई बार गुस्सा ना करना, पहला पहला बहुत सारे करते हैं, मुड़ के जो बिजनेस बन जाता फिर गल् उ आ जाने, तो तुम भरोसा देने कि लोगों जलंधर वासियों को राहत दी जाऊगी? मैं मनदीप जी थोड़ा जहा डिफरेंट स्टाइल न कर लग्या ये काम, पहला तो मैं थोड़ा जिम्मे दसिया भी कल साड़ी लाइसेंसी मीटिंग है, मंडे साड़ी इंटरव्यूज है, नर्स पैनल कर देनी है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ होपफुली जुलाई एंड तक असी ये बाबे की मेहर खोल देवे, रब की मेहर नाल ही असी तो कुछ करन जोगे नहीं हाँ। उहदे विच असी करांगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस से टोटली दवाइया बेचिया जाएगी, एक मेन्यू की तरह जिवें रेस्टोरेंट असी मेन्यू लैन जाने उत्ते फिक्स लिखा जाएगा, यह नहीं कि दवाई की दुकान पर गए उत्ते लिखा 40 रुपये तुहाडे कोलों 36 लै रहे हैं लेकिन असल च 18 की है, या 140 लिखा वो थोड़ू 40 की मिल रही है, मिलनी 18 की चाहिए है, नो प्रॉफिट नो लॉस से दवाई बेची जाएगी। परचेज ऑर्डरस साढ़े को अवेलेबल ने, मैं ये गल फलॉन्ट करा बाहर लिख के लाऊंगा कि हर एक बंद हक है, जे किसी को कोई डाउट हों, कोई भी बंदा चैक करना चाहता तुम एज अ कस्टमर आने हो, थानू हक है तुम साढ़े परचेज ऑर्डर चैक कर सकते हो, सानू जिन्ने की दवाई आएगी जे 1 रुपये 31 पैसे का सानू कोई कैप्सूल पैंदा वो 1 बत्ती का नहीं बेचा जाएगा। हुण तुसी ये भी सोच रहे होंगे कि जे ताम जाम बनाउणा है उहदी मेंटेनेंस होनी, उहदी मेंटेनेंस किवें होएगी? ये बिजनेस नहीं है, मैं चो पैसे नहीं कमाना चाहता, और मैं कल्ला कुछ भी नहीं है, मेरे को ऐसे बहुत सारे सज्जन ने जिहड़े अपना दसवंद कढ़ना चाहते हैं, जिहड़े चैरिटी करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने राह नहीं मिलता। जिवें मैं थोनू कहा, दो कंपनियां ने साडे नाल अग्री कर लिया कि दो इंपलॉई सानू उन्होंने देने ने, एक या दो इंपलॉई सानू गुरुद्वारा साहब के सेवादारा ने देने ने, नर्स असी पेड रखांगे, एक अद्धा स्टाफ पेड रखांगे जे सानू लोड़ पैंदी है, तां उह देणगे साडे दानी सज्जन, किसी महीने मैं देता, किसी महीने किसी दानी सज्जन ने देता। वैसे मोस्टली जिहड़ी कंपनीज़ ने, मैं थोड़ा ये भी दस दवा नॉलेज से, एक फार्मेसीज़ के उत्ते जिहड़े सेल्समैन ने उन्हों का खर्चा भी कंपनियां चकदियां फार्मेसीज़ के उत्ते, तो क्यों ना साढ़े नाल सानू ये बेनीफिट क्यों नहीं दिता जाएगा जे असी उन्हों का माल चक रहे हैं, 15 कंपनीज ने असी टाइप किया, जे दो मान गए तो बाकी दो होर भी कन्विंस हो जाएंगे, जे नहीं होंगे भी सवाल आता कि जे जिदा कंपनी को तुम दसना कि असी सेवा कर रहे हैं तो कंपनियां तो नहीं कि रेट चक देने पिछों कि असी प्रॉफिट तो लैना ही लैना अपना? देखो इट इज़ पॉसिबल, लेकिन सो फार सानू बड़ा चंगा आश्वासन इन्ह कंपनियों ने दिता है, इन्हों सीनियर हैड किसी के नॉर्थ हैड न मुलाकात की, किसी के नैशनल हैड न मुलाकात भी हो गई या टैलीफोन पर गल्ला हो गई, उन्होंने टोटली टोटली साढ़े नाल अग्री किया, टोटली सानू आश्वासन दिता है
कि जिहड़ी कॉस्ट ते दवाइयां आउणगियां तुहाडे नाल कोई भी होक्स नहीं की जाएगी, तुहाडे सामने सारे दे सारे ऑर्डर रख दिते जाणगे, फेयर प्रूफ ट्रांसपेरेंट। सानूं इत्थे तक भी कहा था कि तुसीं मार्केट 'च कंपेयर कर लो, जे एक रुपया चीज़ भी थोड़ी महंगी हुई तो असं उस गल के जिम्मेवार हाँ। हम सीधा आश्वासन से बिलीव कर रहे हैं जी, गुरु नानक देव जी की टीचिंग है, उन्होंने टीचिंग से असी चल रहे हैं, उस टीचिंग से लोगों ने साढ़े को आना, उस आश्वासन से असी कंपनियों को जाना, असी होप से चल रहे हैं, विश्वास से चल रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिवें डॉक्टर्स के कोल अजकल जो पेशेंट जाता ना वो मिक्सड फीलिंग लगे जाता, फेथ एंड फीयर दोनों, जिवें एक फार्मेसी से जाता वो होप एंड होस्टिलिटी लैके जाता, उन्हें होप तो होंगी है कि ये वधिया दवाई दे के मेरे जी को बचा लूगा, लेकिन वो मन च एक खौफ हों कि न जाने कल सवेरे हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज करन वक्त या फार्मेसी ने लिफाफा बनाने तो बाद मैनू किन्ने पैसे ठोक देने। लोगों के नाल धोखा ना हो कोशिश रहेगी, लोग इतने होप नाल आउणगे, होप नाल वापस जाएंगे, वर्ड ऑफ माउथ के नाल ही साडा काम चलेगा जी। एक भरोसा दें कि जुलाई के लास्ट तक खोल जाएगी? हाँ जी, होपफुली जुलाई एंड हो सकता, उस तो पहले ही असी कर दीए, असी सिंपल अरदास करा के ओपन कर देना, कोई ताम झाम नहीं होएगा, लोगों की सेवा वास्ते होएगी, कोशिश करांगे बाहर शेड पा के ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे, बेंच ला देंगे, गैप पा के लोग बैठन शेड के थले बहन, बाहर पानी पींदा अरेंजमेंट, तो बाहर सैनिटाइजर लगा दिए जाएंगे ताकि जी 400-500 स्क्वायर फीट की साड़ी दुकान है वो अंदर कोई क्योस ना हो, वारी वारी प्लानिंग कह सकते हैं कि प्रॉपर हो गई है। सो ये सरदार मनसिमरन सिंह मक्कड़ तो यह एक बार तस्वीर जरूर दिखा देना चाहना कि नकोदर चौंक के बिल्कुल नाल ये दुकाना ने जिथे रिसर्च पूरी करके गल्लां बातां करके मीटिंग्स करके कंपनी के नाल मनसिमरन सिंह मक्कड़ होनी पूरी प्लैनिंग के नाल इत्थे मोदी खाने की तर्ज दे, हालांकि मोदी खाने दे वालू नहीं दी इन्होंने, पर मोदी खाने दे तर्ज दे उत्ते इत्थे हुण एक मैडिकल स्टोर नवा खुलेगा जिथे नो प्रॉफिट नो लॉस के उपर दवाइयां लोगों नू दित्तियां जाणगियां। कैमरामैन मनीष दे नाल मनदीप सिंह, डेली पोस्ट पंजाबी, जलंधर। पिछले दिनी मोदी खाना दे वल्लों जो दवाइयां दी विक्री नू लैके वड्डे खुलासे कीते गए उस दे विच मैडिकल इंडस्ट्री नू पूरी तरह